गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे एल्काइन्स। एल्काइन्स की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? एज़ यू नो, एल्केन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, दैट इज़ सैचुरेटेड कंपाउंड। और एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, विच मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो एल्काइन्स की डेफिनेशन क्या होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। आपको एल्कीन का जनरल फॉर्मूला याद होगा CnH2n, डाइईन्स का जनरल फॉर्मूला याद होगा CnH2n-2। तो डाइईन्स और एल्काइन्स का जनरल फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, CnH2n-2। बस डाइईन्स में दो डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है विद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एंड कॉमनली नोन एज एसिटलीन्स और एल्काइन्स। ठीक है, एल्काइन्स जो है एल्का डाइईन्स के साथ आइसोमेरिक होते हैं। एल्का डाइईन्स मतलब डाइईन्स, बस उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है डाइईन्स का और एल्काइन्स का, दोनों का सेम होता है। डाइईन्स में दो डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन्स में एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो अगर मैं नॉमनक्लेचर की बात करूं, तो अगर आपने एल्काइन का नाम लेना हो तो एसिटाइलिन तो इसका कॉमन नेम है। अगर मैं आईयूपीएसी नाम देखूं तो दो कार्बन है, तो कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू मतलब इथ, दो कार्बन इथ ट्रिपल बॉन्ड मतलब आयन, पहली कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इथ वन आयन, दैट इज इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ठीक है, इसका कॉमन नेम है मिथाइल एसिटलीन, लेकिन जब आप इसका आयुपेक नेम करोगे तो मिथाइल एसिटलीन इसका आयुपेक नेम नहीं आएगा। आप इसको खोल के लिखोगे, ये C3H4 को जब आप खोल के लिखोगे तो आप देखोगे इसका कॉमन नेम क्या आ जाए। इसका कॉमन नेम तो मिथाइल एसिटलीन है, अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद C3 मतलब CH2CH, सॉरी ये C3H4 और लिखा हुआ है कि मतलब ये कंपाउंड है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसको इकट्ठा करके लिखा हुआ है C3H4। तो C3H4 इसके साथ नहीं है, तो सिंपली बस आपका इतना कंपाउंड है। तो ये आपके पास आ गई कार्बन नंबर वन, ये कार्बन नंबर टू, ये कार्बन नंबर थ्री, तो इसका नाम आ जाएगा बेटा प्रोपाइन आ जाएगा। ठीक है जी, सिमिलरली आप किसी का भी नाम कर सकते हैं। आयुपेक सिस्टम ये दे रखा है, देखो ये पूरा कंपाउंड है, इसका जो नंबरिंग है आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जब आप नंबरिंग कर लोगे तो दूसरी पोजीशन पे मिथाइल आएगा, पांचवी पोजीशन पे इथाइल आएगा। आपको पता है ई को पहले लिखते हैं, एम को बाद में लिखते हैं, तो इसका नाम आ जाएगा 5-ethyl-2-methyl-oct-3-ion। ठीक है, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, तीसरी कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो 5-ethyl-2-methyl-oct-2-ion। सिमिलरली ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, नंबरिंग आप वहाँ से करोगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। 5 कार्बन है तो पेंट, तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है, पहली कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में ईन होता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन होता है। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो पहले ईन लिखेंगे, 3-ene फिर 1-ion। ठीक है, अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं तो एल्काइन में चेन आइसोमेर होता है। चेन आइसोमेरिज्म होता है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफर इन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। देखो बेटा, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8, इसमें भी हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8, दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है C5H8 C5H8, लेकिन इसमें जो 5 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है, इसमें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है और 5वीं कार्बन जो है वो ब्रांचिंग में चली गई है। तो जो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन चेन लेंथ डिफर करती है, ये लॉन्ग चेन है, ये शॉर्ट चेन है, तो दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इस केस में देखो पहले और दूसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इस केस में देखो दूसरी और तीसरी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ऑल दो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में भी 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, बट ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफर कर रही है, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में है, तो ये 1-butyne है, ये 2-butyne है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर जाए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कैसे डिफर कर जाए? देखो इसमें भी 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, लेकिन इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें 2 डबल बॉन्ड है, मतलब इसमें
एल्काइन है और इसमें डाइईन है, तो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर गए हैं, तो इसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब एल्काइन्स दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं टर्मिनल एल्काइन और एक होते हैं नॉन टर्मिनल और इंटरनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन नेम से ही क्लियर है, अगर ट्रिपल बॉन्ड जो है साइड वाली कार्बन पे बनता है, सबसे पहली या दूसरी कार्बन पे बनता है, तो उसे कहते हैं टर्मिनल एल्काइन। और अगर आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो मिडिल वाली कार्बन में बन रहा है, फर्स्ट कार्बन पे नहीं बन रहा है, तो उसे कहते हैं इंटरनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन। ठीक है बेटा, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन। एल्काइन का स्ट्रक्चर आपने देखा ही है, जैसे कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो देखो, सिग्मा बॉन्ड को आप सिंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हो और जो पाई बॉन्ड हैं वो मैंने ऑर्बिटल बनाए हैं, बिकॉज जो पाई बॉन्ड होते हैं वो लेटरल ओवरलैप से बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है बेटा, वो हेड ऑन ओवरलैप से बनेगा, इस तरह से हेड टकराएंगे। लेकिन जो पाई बॉन्ड हैं, जो दो पाई बॉन्ड है, उसमें लेटरल ओवरलैप होगी, मतलब इसके दो ऑर्बिटल लेटरली ओवरलैप करेंगे, इसके दो ऑर्बिटल लेटरली ओवरलैप करेंगे, तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैप से बनता है, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। तो बेसिकली जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, एक सिग्मा ये, तो इसकी हाइब्रिडाइज दो सिग्मा का मतलब एक एस और एक पी, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका मतलब एक एस और एक पी, तो लीनियर एस पी हाइब्रिडाइजेशन विद लीनियर ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी बेटा, लीनियर ज्योमेट्री। सिमिलरली इस कार्बन का भी एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, दो सिग्मा बन रहे हैं, अगर दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं मतलब एस पी हाइब्रिडाइजेशन, एस पी हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर ज्योमेट्री विद 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। ठीक है बेटा, उसके बाद है, अगर मैं स्ट्रक्चरल पैरामीटर ऑफ एल्काइन की बात करूं, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है बेटा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जैसे सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, आपको पता है बेटा सिंगल लकड़ी जो है वो तोड़नी आसान होती है, दो या तीन लकड़ियाँ तोड़नी मुश्किल होती हैं। तो सिमिलरली जो सिंगल बॉन्ड है वो, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, बिकॉज बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होती है, तो ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है बेटा, जैसे देखो सिंगल बॉन्ड की 1.06, ठीक है सॉरी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जो ट्रिपल बॉन्ड की 120 है, डबल बॉन्ड की 134 है और सिंगल बॉन्ड की 154 है, तो इसका मतलब कि जो है ट्रिपल बॉन्ड की जो है बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। उसके बाद आ जाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल एल्कीन्स और जेमिनल एल्कीडाइन्स यूजिंग एल्कोहलिक पोटाश। जैसे आपने एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए थे, पहला डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, सेम ये वही रिएक्शन होगा, बस इस केस में हम शुरुआत जो है वो एल्कीन के साथ करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये कंपाउंड है 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, ये आपने कंपाउंड ले लिया, इसमें आपने एल्कोहलिक के ओ एच डालना है, क्या होगा बेटा, एल्कोहलिक के ओ एच है तो इसका के और इसका बी आर, के बी आर बाहर जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि एल्कोहल डाला है तो पानी भी बाहर जाएगा, तो जो पानी है वो इसका एच, ठीक है, इसका के और इसका बी आर बाहर जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, ओ एच, बी आर की जगह लग जाएगा ओ एच। ठीक है जी, जब ओ एच लग जाएगा तो फिर इसका एच अपना बॉन्ड यहाँ देके ओ एच को बाहर निकालेगा और इसमें जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, फिर ये अभी स्टिल एक बी आर लगा हुआ है, अगेन आप अल्कोहलिक के ओ एच डालोगे, दोबारा से के बी आर बाहर जाएगा और फिर वाटर बाहर जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस वाले केस में सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच टू बी आर, अल्कोहलिक के ओ एच डालोगे, सेम वही रिएक्शन होगा, इसका के और इसका बी आर, के बी आर बाहर जाएगा और ओ एच इसकी जगह लगेगा। जैसे ही ओ एच इसकी जगह लगेगा, साथ वाली कार्बन से एच डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगी और ओ एच को बाहर ले जाएगी। ठीक है, फिर ये रिएक्शन दोबारा से होगा, क्योंकि अगेन अभी एक और बी आर लगा हुआ है, तो दोबारा से एल्कोहलिक के ओ एच डलेगा, फिर के बी आर बाहर जाएगा और वाटर बाहर जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन्स। उसके बाद है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। आपके पास बेटा टेट्राहेलाइड्स हैं, टेट्राहेलाइड्स मतलब देखो CH2 CH2 है, अब उस पर ब्रोमीन ब्रोमीन लगे हुए हैं,
उसमें आपने डाल दिया जिंक। ठीक है बेटा, एक जिंक जो है वो दो ब्रोमीन को रिमूव कर सकता है, तो ये ब्रोमीन अपना बॉन्ड देगा, यहाँ रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर आप अगेन दो जिंक डाले हैं आपने, फिर जो दूसरा जिंक है वो इस वाले ब्रोमीन और इस वाले ब्रोमीन को रिमूव करेगा, फिर ये ब्रोमीन अपना बॉन्ड देगा, इधर ले जाएगा। तो बेसिकली जो है सी, यहाँ पे सी एच टू नहीं, यहाँ पे सी एच आना था, सॉरी सी एच आना था। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट एल्काइन। तो दो बार जो है वो काम होगा। ठीक है, पहले एक जिंक दो ब्रोमीन रिमूव करेगा, दूसरा जिंक दो ब्रोमीन रिमूव करेगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज एल्काइन्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बर्थोलेट सिंथेसिस। बर्थोलेट सिंथेसिस में कुछ नहीं है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन लोगे, उसको बहुत हाई टेम्परेचर दोगे, तो दो कार्बन और दो हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना देंगे, C2H2। C2H2 को जब आप खोल के लिखोगे तो ये बनेगा एसिटिलीन। तो ये सिंपल था बर्थोलेट सिंथेसिस। अगला मेथड है लैब मेथड। लैब मेथड में आप क्या कर सकते हो, कैल्शियम कार्बाइड लो, उसमें डाल दो बेटा HCl। ठीक है, इसका जब आप इसमें HCl डालोगे तो क्या होगा बेटा, इसका कैल्शियम पॉजिटिव, इसका Cl नेगेटिव, CaCl2 बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, C2H2, और C2H2 क्या होता है बेटा, एल्काइन। तो इस तरह से आपको एल्काइन मिल जाएगा। डी हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ले लो बेटा, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, CHCl3, दो मॉलिक्यूल ले लिए क्लोरोफॉर्म में, उसमें 6 सिल्वर डाल दिया। आपको पता है एक सिल्वर एक क्लोरीन रिमूव करेगा, तो 6 सिल्वर 6 के 6 क्लोरीन रिमूव कर देंगे। ये इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड टूटे, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड टूटे, ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे बाय ट्रिपल बॉन्ड और आपके पास क्या मिल जाएगा, एसिटाइलीन। ठीक है, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन। अगर आपने स्मॉलर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाना हो, स्मॉलर एल्काइन मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है और यहाँ पे सी एच थ्री लगा हुआ है, 3 कार्बन वाला एल्काइन है और आपने 4 कार्बन वाला एल्काइन बनाना है, तो पहले आप उसमें NaNH2 डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है जी, जब आप लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में डालोगे तो बेसिकली क्या होगा बेटा, इसका हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका NH2, NH3 बाहर लग जाएंगे, चले जाएंगे और इधर लग जाएगा Na, मतलब आपके पास मिल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस अमोनिया बाहर हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्योंकि आपने हायर एल्काइन बनाना है तो आप इसमें CH3Cl डाल लो, जितने कार्बन वाला आपने बनाना है, अगर 5-4 कार्बन वाला बनाना है तो 3 यहाँ पे हैं, ये 1 कार्बन और ऐड कर लो, अगर 6 कार्बन वाला बनाना है तो 2 कार्बन और ऐड कर लो, इसका Na और इसका Cl, NaCl बाहर हो जाएगा और ये जो CH3 है वो Na की जगह लग जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। तो बेसिकली 3 कार्बन प्रोपाइन से आपने 4 कार्बन वाला ब्यूटाइन बना लिया, तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन। ठीक है बेटा, इसके साथ आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन खत्म हो गए। थैंक यू।